दक्ष भी आ जा डांस कर दो। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? होप यू ऑल गाइस आर डूइंग वेल। सो गाइस, अभी बज रहे हैं 8, आपने जैसे कि देखा, और वासु और डैडी देख रहे हैं इंडिया का मैच, और मैं और मम्मी बैठे हैं किचन में और सबने कर लिया है डिनर, और अब मैं रहती हूँ, अब मैं भी करती हूँ डिनर, और उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको बाहर का नाइट व्यू कि रात को जो है यहाँ पे पहाड़ों का नाइट व्यू किस तरह का होता है, मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। तो चलिए मैं भी अब कर लेती हूँ डिनर। आज आप देख रहे हैं डिनर में मैंने बनाई है कद्दू की सब्जी और दाल भी है, बट मैं एक ही चपाती खाऊंगी बिकॉज रात को अगर आप कम खा दें तो ही ज़्यादा बेटर होता है। आप डे में जितना मर्जी आप खा लो, बट रात को जो है आपका वो डिनर लाइट ही होना चाहिए, इसीलिए मैं जो है ओनली यहाँ पे एक ही चपाती खाऊंगी और ना दाल खाऊंगी और ना ही मैं राइस खाऊंगी। सो गाइस, मैं खाना भी खाती हूँ और आपसे मैं एक टॉपिक पर आज जो है बात करना चाहती हूँ, वो सितारा यासीन, पाकिस्तानी सितारा यासीन। आजकल बड़ा बहुत ट्रेंडिंग टॉपिक चल रहा है सितारा यासीन, सितारा यासीन जहाँ भी देखो यूट्यूब पर वही छाई रहती है। और कोई कहता है कि वो व्यूज़ के लिए जो है वो झूठ बोल रही है, व्यूज़ के बढ़ाने के लिए, अपने व्यूज़ इंक्रीज हो उसके लिए वो झूठ बोल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह का कुछ होगा उसमें, बिकॉज मैंने भी बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं, तो मुझे नहीं लगा कि वो शायद कोई सिंपैथी गेन कर रही हो, बिकॉज आई थिंक सबकी जो लाइफ में है वो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो कुछ लोग जो हैं वो पब्लिकली शेयर कर देते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो नहीं पसंद करते हैं, तो शायद आई थिंक मुझे नहीं लगता कि वो व्यूज़ के लिए सब कर रही होगी। अगर कोई उसकी बुराई भी कर रहा है तो वो भी तो व्यूज़ लाने के लिए ही बुराई कर रहा है, तो इसीलिए किसी की बुराई करना मुझे नहीं लगता कि ये ठीक है। सबकी अपनी लाइफ है, सबको अपनी लाइफ जीने का अधिकार है, सो किसी के बारे में नहीं हमें बोलना चाहिए। सो मैं खा लेती हूँ खाना। और यहाँ पे मम्मी जो है वो बैठे थे आराम से किचन में चूल्हे के पास, और अपनी मम्मी की डायरी है वो हर डे का, उसमें लिखते हैं कि क्या क्या है, तो मम्मी अभी वही काम जो है यहाँ पे कर रहे हैं। और यहाँ पे मैं और मम्मी दोनों जो है बातें कर रहे थे, और साथ साथ में शेल्फ़ को भी अच्छे से क्लीन कर रही थी, टाइल्स को भी साफ़ कर रही थी, और गैस पर मैंने दूध भी बॉईल करने को रख दिया था। और मैं और मम्मी हमेशा खाना खाकर जो है चूल्हे के पास बैठकर कुछ ना कुछ बातें जो हैं वो करते ही रहते हैं। यहाँ पे वासु और डैडी वो मैच ही देख रहे हैं अभी। और यहाँ पे किचन हो गया है पूरी तरह से क्लीन, किचन में पूरी तरह से क्लीन कर चुकी हूँ, ये आप देखिए, बिकॉज आपको पता है कि सुबह सुबह जब हम उठते हैं किचन थोड़ी मैस पड़ी हो तो वो कितनी ज़्यादा गंदी लगती है, इसीलिए रात को ही मैं पूरी किचन की साफ़ सफाई अच्छे से कर लेती हूँ। और अब हम चलते हैं टॉप फ्लोर पर, तो फ्रेंड्स चलिए चलते हैं। सो हम पहुँच गए हैं टॉप फ्लोर पर, और ये देखिए रात को किस तरह का व्यू रहता है। अब मैं भी आ गई हूँ रूम में, और आपको मैं अपने रूम के विंडो से जो है वो दिखाती हूँ बाहर का व्यू। ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, ये देखिए आप। आसमान है, तारे हैं, कहीं दूर दूर दिखाई दे रहे हैं। थोड़ी देर पहले तो चाँद भी था, बट पता नहीं चाँद कहाँ चला गया। और मुझे इसको देख, इतनी काली अंधेरी रात को देखकर एक गाना याद आ रहा है, ये रातें ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहाँ दो दिलों ने ये मिलकर कभी हम ना होंगे जुदा।
दे ये मौसम नदी का किनारा ये चंचल हवा। सो गाइज, ये था मेरा आज का ब्लॉग और आई होप मेरा ये आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा हो। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। सो फ्रेंड्स, चलिए अब चलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।